नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। बोल भारत बोल में हम आम लोगों के बीच जाकर बात कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। तो इस सब कड़ी में हम आम लोगों के साथ साथ इंटेलेक्चुअल तबके के साथ भी बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका आखिर क्या सोच रहा है कि देश की पॉलिसीज कैसी हैं, देश कहाँ जा रहा है, क्या बड़ी अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या काम हुआ है, क्या काम होना बाकी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं वकीलों से। जी हाँ, बहुत सारे लॉयर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो वकील होते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चलिए स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया जी, स्वागत है सर आपका। जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुशील टेकरीवाल जी, साथ में सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी, और जुड़े हुए हैं सीनियर एडवोकेट विश्वनाथ चतुर्वेदी, और आगे हम एक और गेस्ट के कविता के हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। यहाँ पर सबसे पहले सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जो वकील तबका है, जो वकील हैं, वो क्या सोचते हैं, आखिर देश कहाँ जा रहा है, देश की पॉलिसीज कहाँ जा रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या सही मुद्दों पर बात हो रही है आज के समय में? देखिए, मेरा मानना है कि आर्थिक सुधार और न्यायिक सुधार, ये दो खास एस्पिरेशंस और एंटीसिपेशंस की जो एक लिटमस टेस्ट है वो हो सकता है इस फ्रेटर्निटी के लिए। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो आर्थिक सुधार का जहाँ तक सवाल है, तो निश्चित रूप से काफ़ी आर्थिक सुधार और काफ़ी कड़े डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं 2024 के चुनाव के बाद, जिसकी भी सरकार बने। मेरा ये मानना है कि आर्थिक सुधार पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जी। जो ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जो एक रेखा बनाई गई है और उसको लेकर के जो एक भारत सरकार का सपना है, और निश्चित रूप से उस पर काफ़ी काम होना चाहिए। बुनियादी ढांचे को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है देश का, उस पर निश्चित रूप से काफी काम होना चाहिए। काफी काम हुआ है, लेकिन खास तौर पर रूरल ओरिएंटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट और मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ओरिएंटेशन काफी हमने देखा है कि काफी इसका स्प्रेडिंग हुआ है। बट जो रूरल ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी, वो भी एक प्राइम क्राइटेरिया होगा इसके लिए। और साथ में अगर मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से थोड़ा सा अलग हट करके जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करूं, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में हमारी एंटीसिपेशन दो फ्रंट पे ज़्यादा होती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, और दूसरा होता है जो वैकेंसीज क्रिएटेड है उसको फिलअप करने की। इस समय देश भर में अगर मैं बात करूँ तो हाईकोर्ट के लेवल पर 300 से ज़्यादा और निचली अदालतों में लगभग 5,500 से ज़्यादा की रिक्तियां हैं जजों की बहाली को लेकर। तो जजों की बहाली को लेकर एक्सपेडाइट किया जाए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको और परफेक्ट किया जाए, एक आम आदमी को न्याय मिल सके और एक्सपीडिशियस न्याय मिल सके। अगर वो देर से न्याय मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक्सपीडिशियस न्याय मिल सके, इस पर फोकस निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में और सरकार के फॉर्मेशन के बाद इस पर होना चाहिए, और ये क्राइटेरिया होगा इस फ्रेटर्निटी को के पास में इस पर विचारार्थ करने के लिए जो भी वो अगला लोकसभा चुनाव में सरकार चुनेंगे। और साथ में रिक्तियों के साथ साथ जो बुनियादी ढांचा है जुडिशियरी का, जो न्यायपालिका का, वो निश्चित रूप से उस पर कई क्रांतिकारी कदम सरकार को उठाने चाहिए। बिल्कुल, हम इन जो कदम उठाने चाहिए उन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, क्या सही मुद्दों पर बात हो रही है? क्योंकि देखिए, धर्म पे बात होती है और बाकी मुद्दों पे बात होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं होती। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि ज़रूरी है, जिन पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर आजकल रिलीजन पे बात करते हैं, कास्ट पे बात करते हैं। हम जो मेन मुद्दा, जैसे हमारे साथी सुशील टेकरीवाल जी ने बताया कि आर्थिक मुद्दा होना चाहिए, आर्थिक मुद्दा गरीब से गरीब को कितना बेनिफिट हुआ है, जो गरीबी सीमा के नीचे हैं उनमें कितना सुधार हुआ, दैट हैज टू बी द टेस्ट। जो अमीर है वो अमीर ज़्यादा होते जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन गरीब जो आज खाना नहीं मिल रहा, सड़क पे सो रहा,
हिंदुस्तान में 75 साल के बाद भी यदि आप निकलते हैं और लगे आपको फुटपाथ पे कोई सो रहा है तो बहुत बड़ी शर्मनिंदगी की बात है। जो सरकार ये कहे कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी के ऊपर छत तोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर लेके तोड़ना बहुत आसान है लेकिन बनाना ही उतना ही मुश्किल है, उतना जरूरी उससे ज्यादा बनाना है। आप बने हुए घर तो तोड़ दीजिए, बहुत ईजी है, बुलडोजर ले जाए, लेकिन कितना घर बनाए हैं आपने? मैं सड़क पे देखता हूँ सोए हुए, इट्स वेरी वेरी हर्टिंग। सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो सबसे गरीब तबका है हिंदुस्तान का, उनका कितना बेनिफिट हुआ है। हमारे किसान आते हैं, आप रोड पे ऐसे पार्टीशन लगा देते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में भी इतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं है जितना हमारे किसान को दिल्ली आने में सुरक्षा होती है। वो बहुत गलत मैसेज आता है मेरे हिसाब से, जहां तक ये जनरल बातों का सवाल है। जब आप वकीलों से बात कर रहे हैं, हम कुछ केस की भी बात करेंगे जी। हमारे देश के जैसे लगता है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, हाँ है, लेकिन ये नहीं है कि जजेस काम नहीं करते, एक जनरल परसेप्शन है, तारीख पे तारीख देते जाते हैं। हिंदुस्तान के जज जितना काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं भी इतना काम करते हैं। वैकेंसीज की बात है, वैकेंसी से ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की बात है। हमारे यहाँ करीबन 30,000 जज है, हमें कम से कम 1,00,000 जज चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि उनके पास बाथरूम नहीं है, उनके पास कोर्ट रूम्स नहीं है। भी आपने सुना होगा कि राउज एवेन्यू के कोर्ट के लिए जो था, कोर्ट के लिए था वो आम आदमी पार्टी के पास में अलॉट होकर गया हुआ। हमारे पास कोर्ट रूम्स नहीं है कि इसमें जज होने के बाद जज बैठ के मुकदमा में निपटा सके। तो ये दो तीन चीजें के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे। बिल्कुल विजय जी, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि इन चीजों की जरूरत है, इतने पदों की या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं जानना चाहती हूँ लॉयर तबका जब इन सब समस्याओं को लेकर आगे जाता है, कुछ कहता है, कितनी सुनी जाती है ये सारी बातें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रायल चल रही है, मैं उसमें अमायकस हूँ कि कितने जजों की वैकेंसीज होती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट काफी स्टेप्स ले रही है। प्रॉब्लम है कोर्ट, हमने देखा है कि जुडिशरी ने सेलेक्ट कर लिया कि हमें ये जगह चाहिए, कलेक्टर कहता था ये जगह हम आपको नहीं देंगे, ये हमें कुछ और चीज के लिए। तो एक कलेक्टिव एफर्ट होना है, वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ये करना, ये डिस्ट्रिक्ट का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का काम है कि आपको कैसे जाते हैं उनको तय करना, लेकिन बहुत सारा टाइम जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाता है कि हमको जगह कौन सी लेनी है, हमको वो जगह नहीं मिल रही है, वो जगह हो गई है तो ट्रेनिंग के लिए, जजेस के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए देश को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फंडिंग करने की जरूरत है। वो फंडिंग स्टेट से होती है, स्टेट में फंडिंग बहुत कम होती है, सेंट्रल से स्टेट में फंडिंग होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में कितना सुधार आपने देखा है, कितना स्टेप्स आपको लगता है लिए गए हैं? देखिए, बड़े शहरों की बात करें बहुत हुआ है सुधार। दिल्ली में ऑनलाइन आप आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कि जो गरीब से गरीब तबका है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली इज नॉट इंडिया, इंडिया बैठता है गांव में जहां पर है वहां भी अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है। मैं कुछ जजेज है, मेरे कलीग है, मेरे जूनियर्स रहे हुए, वो कहते हैं हमको कोर्ट जाने में 2 घंटा लगती है, हमको आने में लगती है, गाड़ियां नहीं होती है, वहां जाते हैं तो फीमेल लॉयर्स रहती है, उनके पास वॉशरूम्स नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जजेस को, नॉर्मल पब्लिक को लगता है कि जजेस तारीख पे तारीख देते हैं, आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। जजेस बहुत काम करते हैं हमारे, लेकिन उनको सुविधाएं बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। उनको जो अभी सैलरीज भी मिलती है, हमारे सारे साथी सीनियर एडवोकेट्स हैं, हमको जितना हम एक केस में लेते हैं उनको एक साल में नहीं मिलता था। सफोकेशन है, आगामी 10 साल जो डिजिटल इंडिया का केवल नारा दिया गया, इंटरनेट कितना महंगा हो गया, आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गया, बहुत सारी कोर्टों ने, विश्वनाथ जी ने बहुत यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं कि विकास सिर्फ कुछ एक तबके का नहीं होना चाहिए, सामूहिक का विकास की जरूरत है, जिसकी कमी हमें नजर आ रही है। यहाँ पर विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब लोगों को अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्योंकि आप लोग वकील हैं, पढ़ा लिखा तबका है, आप लोग जो बात कहते हैं उसमें दम होता है, उसमें मायने होते हैं। तो हम चाहेंगे आप बताइए कि आप लोग क्या सोच के वोट करने वाले हैं, क्या चेहरे पे वोट करेंगे, क्या नाम पे वोट करेंगे, पॉलिसीज पे वोट करेंगे, या उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे वोट होना चाहिए कि ये बोला था और ये हुआ है, ये नहीं हुआ। मैं बताना चाहूँ कि ये धर्म की गुरु की बात, धर्म की न्याय की बात, धर्म अपना पंडितों पे मौलवी पे छोड़ दीजिए।
सरकार का काम है पब्लिक इंटरेस्ट, सब समाज के जो गरीब तबका उनका खाना पीना वो जुगाड़ करना। हमको देश को धर्म पे नहीं बांटे, हम उसकी बात नहीं करें, हम वकील तबका उस बात पर नहीं वोट देगा। जो मेन एक बात कहता हूँ, आप किस बेसिस पे वोट दें, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप चेहरा देखिए उसके खिलाफ। आज की डेट में बड़ी शर्म की बात है, हमारे सांसद है, हमारे जो विधायक है, 40% विधायक वैसे हैं, सिटिंग विधायक वैसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, उनका पूछिए कि यदि आपके पास क्रिमिनल केस चल रहे हैं हम उनको वोट नहीं देंगे। अब हम हमारी कम्युनिटी एक स्प्रेड करे इस मैसेज को कि इस कैंडिडेट, फॉरगेट अबाउट द पार्टी, इस कैंडिडेट के खिलाफ क्रिमिनल केस है, इतने क्रिमिनल केसेज है, हम सबको बताएं कि ये, क्योंकि आज की डेट में वेबसाइट पे आ जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज को देना पड़ता है कि कितने कितने किस, और जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले कैंडिडेट्स को खड़ा किया उनको हम वोट नहीं देंगे। ये एक वकील की जिम्मेवारी बनती है मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में, क्योंकि हमारे लिए बड़े अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे 40% विधायक आज की डेट में क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ। तो जब हम वकील उसको बोलेंगे कि भाई आप उनको वोट नहीं दीजिए जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, ये बहुत बड़ा हमारे हिसाब से लॉयर्स कम्युनिटी का योगदान रहेगा इस इलेक्शन में, एक फेयर इलेक्शन में, एक नेशन बिल्डिंग में योगदान रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर सुशील जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैं दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड है वो होना चाहिए सरकार जो भी हो, और दूसरा वेलफेयर लेजिस्लेशन फॉर द कंट्रीज डाउन ट्रोडेड एंड पर्टिकुलरली रूरल ओरिएंटेड। तो ये दो सोल क्राइटेरिया मेरा होगा एक लार्जर जस्टिस के पर्सपेक्टिव में, जिसके बैकड्रॉप में मैं अपना वोट करूंगा। और मैं अपील करूंगा अपने लोगों फ्रेटर्निटी से, और निश्चित रूप से ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसका स्प्रेडिंग और जिसका सर्कुलेशन होना चाहिए और जिसका एक अनाउंसमेंट भी होना चाहिए, और एक हर मतदाता खासतौर पर लीगल फ्रेटर्निटी का इसको एक सोल क्राइटेरिया के रूप में निश्चित रूप से अंडर कंसिडरेशन रखें। बिल्कुल, यहाँ पर एपी सिंह जी आप क्या कहेंगे इस पे, क्या सोच के वोट करेंगे आप? जी विश्वनाथ जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या सोच के वोट करेंगे आप खुद नहीं, नहीं, मैं क्या तो सोचते हैं और लोगों को क्या एडवाइस देंगे? नहीं, मैं एडवाइस ये दूंगा कि देखिए हमारा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था, वेलफेयर स्टेट में अगर अंतिम व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होगा, अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तो न्याय अंतिम व्यक्ति की पहुंच के अगर बाहर हो गया है तो उस तक न्याय पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि मैं समाज का पढ़े लिखे तबके को रिप्रेजेंट करता हूं, और हमारी फ्रीडम मूवमेंट में मैक्सिमम हमारी बिरादरी ने योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, चाहे वो गांधी जी रहे हो, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे मौलाना आजाद रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, बड़े बड़े नाम हैं। फ्रीडम मूवमेंट में वकीलों की एक महती भूमिका रही है। आज इस तबके को खड़े होके उस अंतिम व्यक्ति के न्याय के लिए लड़ना चाहिए, और जब तक ये तबका नहीं खड़ा होगा, जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र के नाम पे ये विभाजित होगा, इस मुल्क का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। और जो 50 सालों में विगत जो फ्रीडम मूवमेंट के बाद जो बुनियादी ढांचे का विकास हुआ वो अभूतपूर्व था, 50 साल के बाद उस पर ब्रेक लगी, हमारे पास बहुत सीमित साधन थे, अंग्रेज हमें 2% की जीडीपी पर छोड़ के गए थे, हमारे पास सुई बनाने की भी व्यवस्था नहीं थी, वहां से यहां तक उसमें कहीं ना कहीं इन हमारी कम्युनिटी का योगदान रहा। बाबा साहब अंबेडकर भी पेशे से वकील थे, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भी एडवोकेट थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज को न्याय इंसाफ और वेलफेयर स्टेट दिलाने का काम हमारी बिरादरी का है, इनको जाति धर्म संप्रदाय से उठकर पूरी बिरादरी को, वकील संप्रदाय समुदाय को, कम से कम मैं ये मानता हूं कि उन्हें राष्ट्र के विकास के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर अंतिम व्यक्ति की लड़ाई अब लड़ने का वक्त आ चुका है, वरना जी, वो वक्त दूर नहीं है जब हम सूडान इराक पाकिस्तान बनने में हमें वक्त नहीं लगेगा। नीचे बहुत जबरदस्त सपोकेशन है
किसी के पास रोजगार नहीं है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। विश्वनाथ जी, ये जो सोच है जो जाति तक सीमित है, धर्म तक सीमित है, इसका लॉन्ग टर्म कितना और खतरनाक इफेक्ट आप देखते हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट देखता हूँ कि पुलिस स्टेट में तब्दील होता जा रहा है, बुलडोजर इंसाफ है, न्यायपालिकाएं कहाँ है? जब आप तुरंत इंसाफ देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो न्यायपालिका तो कटघरे में खड़ी हो गई, फिर न्यायपालिका की जरूरत कहां बची? आज उस मुकाम पे हम आके खड़े हो गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, दो सीनियर एडवोकेट ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, लेकिन आज जो सबसे बड़ा कार्यपालिका पे क्वेश्चन मार्क है और न्यायपालिका पे भी क्वेश्चन है कि जो इंसाफ आपको देना चाहिए आप त्वरित इंसाफ दे रहे हो, लोकप्रियता हासिल करने के लिए, तत्कालिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, न कोर्ट न कचहरी न दलील न वकील, सीधे बुलडोजर, ये कौन सा इंसाफ हुआ? उस पे भी सबके को ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सॉरी, किससे पूछा आपने? गुलविश जी, किससे पूछा आपने? नहीं, जो अभी बात कर रहे हैं विश्वनाथ जी की सोच बिल्कुल सीमित होती जा रही है, और ऐसे में लोग किस तरह एक तरह से सोच के वोट करेंगे तो कैसे चलेगा? वो बात सही है कि सम को कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे सोच के वोट नहीं देना है। एक जनरल आदमी के परसेप्शन से वोट देना है, बुलडोजर के ऊपर वोट नहीं देना है हमको। घर जो बनाएगा उसको वोट देना है हमको, जो खाना खिलाएगा उसको वोट देना है हमको, जो किसान के हक में बात करेगा उसको वोट देना है हमको। हम सिर्फ धार्मिक न्याय की बात नहीं कर सकते, हमें न्याय चाहिए लोगों को पास, जो कोर्ट में आते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, निकाल दिया है, उनको कहते हैं जी 20 साल बाद आपको, या जी 20 साल बाद एक्विटल कर दिया कि 20 साल तो आप जेल में रहे लेकिन नहीं आप दोषी नहीं थे, उस तरह की केसेस को आप प्रायोरिटी दीजिए। उस तरह की केसेस को प्रायोरिटी के लिए भी जजेस के पास समय नहीं है, क्योंकि एक दिन में वो 100 केस लगते हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई भी आदमी 100 केस डील कर सके। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा, आपको भी मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जजेस बने, ऐसा मैसेज आप दीजिए कि जजेस बने तो कम से कम कानून जिसके हिसाब से जल्दी जल्दी निपटारा हो, उससे ज्यादा। और वकील को बेसिकली चाहिए कि जल्दी होगा, और जल्दी तभी हो सकता है कि जब एक जज के पास 5 केस है, 10 केस है, एक जज के पास यदि रोज 100 केस है तो कोई जज तय कर ही नहीं सकता किसी भी केस। यहाँ पर ये जो समस्या है कि एक एक वकील, एक एक जो जज है उस पर इतने ज्यादा केसेस हैं, इसी वजह से तारीख पे तारीख मिलती रहती है लोगों को, और इसी वजह से जो न्याय जो होता है वो बहुत देरी से मिलता है, जस्टिस डिले होता रहता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्यों है ये यहाँ पे खुद जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी सुशील जी कि अगर हम बात करें, क्योंकि क्योंकि पढ़ा लिखा तबका आखिर वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आता है? अगर हम वकीलों की बात करें, यूपीए में अभिषेक मनु सिंघवी थे, कपिल सिब्बल, ये तमाम ऐसे नेता जो कि एडवोकेट भी थे, जानते थे, लॉ को समझते थे। अगर एनडीए की बात करें, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, तो क्या आपको नहीं लगता कि और भी ज़्यादा जो एडवोकेट्स हैं उनको आने की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, ताकि वो अपनी बात अच्छे से रख सके, क्योंकि वकीलों से अच्छा अपनी बात कोई नहीं रखता है? पहले तक ये सारी गंगा मैली थी, राजनीति एक इतनी गंदी मैली कीचड़ भरी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बहुत इतना फिल्टर किया कई सुप्रीम कोर्ट के रिवॉल्यूशनरी जजमेंट्स ने कि अब जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो बौद्धिक व्यक्ति हैं और जो एजुकेटेड और एकेडमिक क्लास है सोसाइटी की, अब वो निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में आ रही है। कई लोगों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय योगदान दिया है, और अपने अपने तरीके से वो लेजिस्लेटर्स भी बनकर गए हैं, और काफ़ी उन्होंने लेजिस्लेट से लेकर के और एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में उन्होंने एक नज़ीर भी पेश की। एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे, उनका जो बाहुबल और उनका जो प्रभुत्व भारतीय राजनीति में रहा, वो कमोबेश अब काफ़ी कमजोर पड़ता दिख रहा है और काफ़ी उसमें पराभव हुआ है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि बिहार और यूपी के कई
बाहुबली जो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं वो अब काफी दूर हो गए हैं राजनीति से, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था के तहत दूर हुए हों या सामाजिक रूप से वो दरकिनार कर दिए गए हों लोगों के द्वारा। तो निश्चित रूप से जितना भी अपराध और जितनी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति से दूर रहेंगे उतनी निश्चित रूप से ये जो राजनीति है उतनी पवित्र बनेगी और आने वाले दिनों में ये राजनीति बहुत अच्छा लोग भूमिका निभाएंगे और एक अच्छी राजनीति आगे आने वाले दिनों में हमें दिखेगी, मुझे ऐसा कयास है। तो वोट तो आप अनफॉर्चुनेटली आप कास्ट बेसिस पे ही वोट दे रहे हैं, हम बात करते हैं तो ये कास्ट किसको वोट दे रही है, ये रिलीजन किसको वोट दे रही है, हम कैंडिडेट को सोच के वोट देते ही नहीं, हम ऊपर उस कास्ट के लाइन से हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें होगा तो कहना आसान है, कोई वकील नहीं जाएगा साहब, वो जाएगा तो बात नहीं करेगा कि हम उस कास्ट के हैं, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता, हम उस कास्ट के हैं इसीलिए मुझे वोट दीजिए। लेकिन आज की डेट में जब तक जनता ये नहीं कहेगी कि कैंडिडेट को देख के वोट देगी, तब तक आपको कैंडिडेट वैसे ही मिलेंगे जैसे आप चाहेंगे। मेरे मित्र ने कहा कि वो क्रिमिनलाइजेशन कम हो रहा है, आई होप सो, बट अनफॉर्चुनेटली सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इसीलिए मैं कहता हूँ एक मैसेज हमको देना वकील कम्युनिटी को, इस बार जिस पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनलाइज, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, उस पार्टी ने जिसको वो टिकट दे उस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। लेट्स हैव ओनली वन एजेंडा ऑन द लाइन कि जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उसको नहीं देंगे और जिस पार्टी ने क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, अभी देखिएगा अभी लिस्ट आने वाली है, अभी जिसमें अभी हमारे एक स्टडी है सुप्रीम कोर्ट में, खैर केस कर रहा हूँ, हमारी एक स्टडी है कि विनेबिलिटी जिसके पास है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस ज्यादा हो, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस कम हो उसको वो नहीं जीतता है, तो वो माइंडसेट हमें चेंज करना है एज ए लॉयर कम्युनिटी। उस दिन हम जब करेंगे देन वी विल थिंक कि भाई हमने लॉयर कम्युनिटी ने कुछ कंट्री के लिए सर्व किया, अदरवाइज हम नहीं जीत हो सकते। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ही अगर आप देखें कितनी गहरी बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, तो क्या वो माइंडसेट चेंज हो सकता है, क्या लोग जो जो कास्ट लाइन है, रिलीजन लाइन है, उससे बढ़कर आगे क्या वो सोच सकते हैं, पूरी कम्युनिटी के बारे में सोच के क्या वोट कर सकते हैं, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है और इसी वजह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, एपी सिंह जी आप इस पे क्या कहेंगे? यहाँ पर दीप माला शांडिल्य हमारे साथ जुड़ गई है, सीनियर एडवोकेट हैं ये भी, स्वागत है आपका दीप माला जी श्रेष्ठ भारत पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ये चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और बताया जा रहा है कि क्या सोच रखने की जरूरत है आम लोगों को और वकीलों को भी, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत है कि वकील पॉलिटिक्स में आए और काम करें लोगों के लिए? मेरे नॉलेज में तो वकीलों को हर जगह अपनी जगह दिखाने की जरूरत है, अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, या एक बुद्धिजीवी वर्ग है और इसके सलाह की हर किसी को जरूरत पड़ती है, और राजनीति में खास करके वकीलों की तो देखा जाए हमारे वर्तमान में भी भविष्य में पास्ट में भी कि एक अहम भूमिका रही है राजनीति में, हर दल में तो वकीलों ने तो अपनी अहम भूमिका निभाई है राजनीति में। जी बिल्कुल, विश्वनाथ जी आपने अपनी राय नहीं रखी है इस पे अभी तक? ये तो बड़ा ये लग रहा है, देखिए फ्रीडम मूवमेंट के बाद हमारी हिस्सेदारी वकीलों की 60% थी, 60% घटते घटते आज हम तो नॉमिनलाइज हो गए क्योंकि अपराधीकरण है। वकील के पास एक लिमिटेड साधन संसाधन है, चुनाव में कैसे जाएगा बाहुबलियों के मुकाबले? जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, भाषा है, क्षेत्र है, तो उन परिस्थितियों में वकील को एक नई व्यवस्था का सृजन करने की आवश्यकता है। जो विजय जी ने कहा मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि पहले जाति धर्म संप्रदाय की दीवार इन वकीलों को ही तोड़नी पड़ेगी और राष्ट्र के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा कि आखिरी तबके को मुझे इंसाफ देना है। जब तक हम ये नहीं सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम व्यक्ति को हम
अब इतनी लंबी लंबी सीनियर एडवोकेट है, जब मैं नेतान अली चेगा, मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट भी लड़ता हूँ और बहुत सारे अपने क्लाइंट के फ्री में मुकदमे लड़ता हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते। इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी, ये हमको अपने अधिवक्ता तबके से निकलकर इसका भी एक रेगुलराइजेशन करने की जरूरत है कि आप मुंह मांगी 1 करोड़ रुपए आपने फीस मांग ली, आम आदमी की अप्रोच के बाहर है। अच्छा वकील हो भाई, 10% कम से कम गरीबों के भी मुकदमे कर दो। बिल्कुल, अपने भीतर भी सुधार करने की जरूरत है। और फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे सब बड़े बड़े वकील थे, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बहुत बड़े बड़े वकील थे। लेकिन जिस दिन से उन्होंने राष्ट्र का संकल्प लिया कि मुझे आजादी से मुक्ति चाहिए, गुलामी से मुक्ति चाहिए, उस दिन के बाद उन्होंने केवल गरीबों की लड़ाई लड़ी, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान के लिए अपना जीवन समर्पण किया। तो आज इस तबके, हमारे तबके के भीतर भी अगर अपराधीकरण से लड़ने के बहुत जिज्ञासा है तो केवल एक ही कम्युनिटी लड़ सकती है अपराधियों से, सिर्फ अधिवक्ता। अधिवक्ता के अलावा इन अपराधियों से, जातिवादी ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से कोई नहीं लड़ सकता, इतनी ताकत नहीं है। अगर ये कम्युनिटी जिस दिन खड़ी होगी, मेरा यह पक्का यकीन और विश्वास है कि राष्ट्र बदलेगा। राष्ट्र को दिशा देने की आज आवश्यकता मेरे तबके को है। और जितने से ज्यादा वकील जब पार्लियामेंट में आएंगे, एक डिबेट का स्तर भी होगा। आज डिबेट में क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, 1 घंटे में 40 बिल पास हो जा रहे हैं हाथ उठा के। अनपढ़ जाहिलों की पूरी जमात हो गई है पार्लियामेंट, अपराधियों की जमात है। किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को पुलिस दौड़ाए हुए है, 14 मुकदमे हैं तो उसमें बरी होना है। इन सब जो व्यवहारिक चीजें हैं, देखिए आप अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए, भाषण कर लीजिए, लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कत है, केवल एक तबका लड़ सकता है इन अपराधियों के खिलाफ, आर्थिक पूंजीपतियों के खिलाफ केवल एक तबका है पूरे भारत में। जिस दिन वो नेतृत्व तो संभालेगा, मेरा पक्का यकीन है जातीयता भी टूटेगी, धर्म की दीवारें भी टूटेंगी और इन अपराधियों का काकस भी टूटेगा। और उसी बदलाव की हम बात कर रहे हैं, उसी बदलाव के लिए और बदलाव को सोचते हुए लोग वोट करने जाते हैं। यहाँ पर हम लगातार अपने जो हमारा कार्यक्रम है बोल भारत बोल, इसमें हम सारे अपने आम लोगों से, खास लोगों से सबसे पूछते हैं कि अपने दिल में, अपने देश को रखे अगर एक बदलाव वो चाहते हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव होगा। मैं पूछना चाहूंगी आप सभी से, विश्वनाथ जी पहले आपसे पूछना चाहूंगी, एक बदलाव जो देश में आप चाहते हैं कि हो और जो सबके लिए हो, अच्छा बदलाव हो। एक बदलाव हो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो फ्री ऑफ कास्ट हर व्यक्ति की अप्रोच पे होनी चाहिए, पहुंच पे होनी चाहिए। देखिए मैं अगर एक सोल क्राइटेरिया आप अगर लिटमस टेस्ट रखते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक्सपीडिशियस जस्टिस टू द लास्ट मैन ऑफ दिस कंट्री एंड एट हिज डोर स्टेप, दिस मस्ट बी अ रेजोल्यूशन फॉर मी एंड फॉर द पीपल एट लार्ज from my fraternity particularly. For education, there is no doubt about it. This has to be primary consideration. Aaj bhi free hai, lekin free hone ki quality kaisi hai? That quality should be at par with the private organization. Main private mein ja raha hoon ya sarkari mein ja raha hoon? Sarkari mein jata hoon, 300 patient dekhte hain, 4 ghante baad number aate hain. Private mein aap 5000 rupaye deke jaate hain to immediate number aa jata hai. Sare senior advocates jo yahan par aaye और श्रेष्ठ भारत पर ये बातें रखी हैं, कहीं ना कहीं सोच समझकर वोट देने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है आपका मत अधिकार, तो बहुत सोच समझकर वोट करें। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।